हाय गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वासुटी बुक्स। यूथ कंटेंट टाइम्स के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम हिंदी के शॉर्ट पेपर परीक्षा ज्ञान कोर्स लेकर आए हैं, जिसमें आपको शॉर्ट पेपर प्रैक्टिस बुक मिलने वाली है। ये बुक आपको इंपॉर्टेंट होने वाली है TGT, PGT, GIC, LT ग्रेड एंड डायट के एग्जाम्स के लिए। इसके अलावा आश्रम पद्धति, NVS लेक्चरर और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट बुक ये रहने वाली है। जितने भी अभी तक पेपर हुए हैं सारे शॉर्ट पेपर आपको मिलेंगे, अंदर मैं रिव्यू उसका बताने वाला हूँ। जितने भी आपको 2021-22 में एग्जाम हो गए उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। अगर बैक कवर की बात करते हैं तो बैक कवर में हमारे TGT, PGT, GIC, LT ग्रेड, UGC, नेट के जो पेपर्स आते हैं वो यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। इसमें कुछ परीक्षा ज्ञान कोर्स, जैसे आपको राजनीति विज्ञान का परीक्षा ज्ञान कोर्स, इतिहास, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र और भूगोल के परीक्षा ज्ञान कोर्स यहाँ पे आपको अवेलेबल मिल जाएगा। जीव विज्ञान, इतिहास, नागरिक शास्त्र, विज्ञान और अर्थशास्त्र के शॉर्ट पेपर्स एंड प्रैक्टिस बुक मिलने वाले हैं। इसके अलावा हिंदी, इंग्लिश, भूगोल, संस्कृत, नागरिक शास्त्र, इतिहास, गणित, वाणिज्य, जूलॉजी, बॉटनी, आर्ट, होम साइंस, शारीरिक शिक्षा, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, इसके अध्याय और शॉर्ट पेपर्स आपको मिलने वाले हैं। कितने पेपर्स, कितने शॉर्ट पेपर्स रहेंगे सबका हम वीडियो बना चुके हैं, आपको कवर पेज यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ। सारी जानकारी आपको हमारे YouTube चैनल पर मिल जाएगी। अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट vycitybooks.com पर विजिट कर सकते हैं, वहाँ पर आपको इसकी जानकारी मिल सकती है। अगर इस बुक के नंबर ऑफ पेजेस की बात करते हैं तो लगभग 400 पेजेस की ये बुक रहने वाली है। और प्राइस की बात करते हैं तो प्राइस इसकी 1,295 रुपीज रहने वाली है। ये प्रिंट प्राइस है, इस पर अभी आपको डिस्काउंट्स मिलता है। ऑनलाइन ऑफलाइन अलग अलग डिस्काउंट होते हैं। कुछ ऑनलाइन स्टोर के लिंक जैसे अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, इंस्टामोजो के लिंक मैं प्रोवाइड करा दे रहा हूँ, वहाँ से इसे आप परचेज कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट vycitybooks.com या हमारे एप्लीकेशन vycitybook पब्लिशर से भी परचेज कर सकते हैं, उसके भी लिंक्स आपको मिल जाएगा। आप हमें टेलीग्राम और फेसबुक पेज पर फॉलो कर सकते हैं, उसके लिंक मैं प्रोवाइड करा दे रहा हूँ। अब बात करते हैं इसमें कौन कौन से पेपर रहने वाले हैं शॉर्ट पेपर्स, वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। सबसे पहले अभी मैं कुछ देर में आपको सिलेबस बताऊंगा, उसके बाद यहाँ पे जो परीक्षा का पाठ्यक्रम होता है वो आपको GIC का बताने वाला हूँ। अगर शॉर्ट पेपर्स की बात करते हैं तो शॉर्ट पेपर्स में आपको TGT के 2001 से लेकर 2002, 2003, 2004 के दोनों पेपर जो निरस्त हुआ था, फिर 2005, 2009, 2010, 2011, 2013, 2016 इस TGT के मिल जाएंगे। PGT की बात करते हैं तो 2000, 2002, 2003, 2004, 5, 9, 10, 11, 13 और 16 PGT के ये शॉर्ट पेपर्स आपको मिलने वाले हैं। इसके अलावा GIC के आपको 2017, 2015 और 2012 के पेपर मिलने वाले हैं। LT ग्रेड 2018 का और डायट प्रवक्ता 2014, आश्रम पद्धति 2012, आश्रम पद्धति 2009, KVS 2014, NVS 2014 और आपको DSSB 2015, ये आपको यहाँ पे इतने सारे पेपर्स मिलने वाले हैं। तो पेज नंबर 5 से लेकर 400 पेज तक आपको सारे शॉर्ट पेपर्स मिलने वाले हैं। पेपर्स मैंने बता दिया आपको TGT, PGT, LT, GIC, GDC, डायट, NVS, KVS सब के आपको पेपर्स हमने बता दिए कौन कौन से मिलने वाले हैं। अगर यहाँ सिलेबस की बात करते हैं तो सबसे पहले TGT का है, TGT के यहाँ पे सिलेबस मिल जाएगा। फिर हमने इसी पेज पे PGT का भी सिलेबस दे दिया है। यहाँ पे आपको LT ग्रेड के और यहाँ पे आपको GIC के सिलेबस मिल जाएंगे। GIC में आपको 40 नंबर का GS होता है, 80 नंबर का आपको वैकल्पिक सब्जेक्ट होता है। वैकल्पिक सब्जेक्ट में अगर आप हिंदी लेते हैं तो ये सिलेबस आपको पढ़ना होगा, इसी से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब हम बात करते हैं जो शॉर्ट पेपर्स हैं, तो सबसे पहले PGT के आपको TGT के शॉर्ट पेपर्स मिलेंगे। 2016 का हुआ था, इसमें टॉपिक वाइज हमने डिवाइड कर दिया। जैसे हिंदी साहित्य का इतिहास है तो राहुल सक्रतनायन ने हिंदी का पहला कवि किसे माना है, तो सरहपा जी को माना था। किस इतिहास लेखक ने अपने इतिहास ग्रंथ में लगभग 5000 कवियों का विवरण दिया है, तो मिश्र बंधु ने। उसके बाद टॉपिक आते हैं आपके आदिकाल, पहला टॉपिक क्या था हिंदी साहित्य का इतिहास, उसके बाद आदिकाल, आदिकाल के बाद भक्तिकाल, भक्तिकाल के बाद यहाँ पे आपके रीतिकाल, रीतिकाल के बाद द्विवेदी युग, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता, निबंध, कहानी, उपन्यास, आलोचना, हिंदी की लघु विधाओं का विकासात्मक परिचय। इसके बाद आपको काव्यशास्त्र, अव्यय, भेद, रचन, अलंकार, काव्य गुण, काव्य दोष, समाज संधि और शब्द पंक्तियां, भाषा विज्ञान, हिंदी भाषा वर्गीकरण, ये सारे टॉपिक्स। और यहाँ पे कुछ क्वेश्चन आपको व्याकरण, लिंग, वचन, कारक से दिए गए हैं। फिर आपके शब्द पर्यायवाची, अनाकार्थी, विलोम, वाक्यांश के लिए शब्द वाक्य शुद्धि से लिया गया है। मुहावरे हैं संस्कृत साहित्य के, व्याकरण, पत्र एवं पत्रिका उससे लिया गया है। इसके बाद यहाँ पे आपको 125 क्वेश्चन यहाँ पे समाप्त हो जाते हैं, ये आपके 125 क्वेश्चन समाप्त हो जाते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पे TGT के 2013 का मिल जाएगा। उसी प्रकार आपको यहाँ पे हिंदी साहित्य के इतिहास टॉपिक वाइज यहाँ पे भी इसके पेपर्स मिल जाएंगे। अब हम आपको दिखाते हैं TGT के बाद आपको PGT के कुछ पेपर्स आपको दिखा दे रहे हैं।
देखिए यहाँ पे जीटी 2016 का पेपर यहाँ पे स्टार्ट होता है। 2016 में जो लेटेस्ट हुआ था पीजीटी, यहाँ पे पीजीटी हिंदी के, इसमें भी आपको टॉपिक वाइज मिलेंगे, पहले आदिकाल से, फिर भक्तिकाल से, फिर रीतिकाल से, रीतिकाल बाद भारतीय हिंदी युग, द्विवेदी युग एवं छायावाद युग, प्रकृतिवाद एवं हालावाद, प्रयोगवाद, नई कविता, निबंध, कहानी, नाटक, उपन्यास, ठीक है। उसके बाद आपको हिंदी के लघु विधाओं का विकासात्मक परिचय, काव्य छंद, अव्यय भेद, रक्षत अलंकार, काव्य को काव्य दोष, भाषा विज्ञान, हिंदी भाषा एवं वर्गीकरण, और आपके व्याकरण, लिंग, वचन, कारक, काल, विराम चिन्ह। इसके बाद यहाँ पे शब्द परिचय, विलोम वाक्यांश के लिए एक शब्द, इन सबसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। मुहावरा, लोकोक्ति, तद्वत, असम, देशज, विशेषज, उपसर्ग, प्रत्यय, संदेह, समाज। और यहाँ पे आपको पीजीटी के भी एक पेपर हमने दिखा दिया, ये 2016 का था। इसके बाद यहाँ पे पीजीटी का 2013 का पेपर यहाँ पे स्टार्ट होता है, तो वो आपको यहाँ पे आपको मिल जाएगा। इसके बाद पीजीटी के बाद हम आपको और पेपर्स भी दिखा दे रहे हैं, ये जीआईसी के आपको यहाँ पे पेपर मिल जाएगा, जीआईसी 2017 का। तो जीआईसी का हमने हिंदी का एक बुक अलग से बुक का रिव्यू किया है, वो भी आप देख सकते हैं। ये जीआईसी 2017 के पेपर आपको मिल जाएंगे। पेपर के बुक के नीचे तरफ कॉलम में आपको वाईसीटी मिलेगा, साथ ही किस एग्जाम का पेपर है वो आपको मिलने वाला है। जैसे यहाँ जीआईसी 2017 का चल रहा है, जीआईसी 2015 आप देख रहे होंगे, इसके बाद डायट 2014 का हो गया, डायट 2014 का यहाँ पेपर स्टार्ट हुआ है। तो ये सारे इस प्रकार पूरे 400 पेजेस की बुक रहने वाली है, और जो पेपर्स हमने शुरू में बताए हैं वो पेपर्स यहाँ पे आपको शॉर्ट पेपर्स आपको मिलने वाले हैं। खूब अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया गया, वो सारी चीज़ें आपको जानकारी यहाँ पे मिल जाएगी, ठीक है। वीडियो लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो कैसा लगता है आप कमेंट करके बता सकते हैं, आपके कमेंट पे ही हम नई वीडियोज बनाते हैं। कौन सी बुक चाहिए होती है वो अब भी आप बता सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं 7518304504। वीडियो लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।